लेख एक, रब दी विशेषताएं। सत श्री अकाल। की तुसी रब दे बारे सुनिया है? जिन्हें सारे संसार दी रचना कीती है, उन्हें आसमान धरती ते समुंदर ते उन्हां च रहण वाले जीव जंतुआं नूं बनाया है सिर्फ बोलन दे द्वारा। रब ने कहा कि चानना हो, चानना हो गया। उन्हें आख्या धरती ते आकाश बन जावे ते ओ धरती ते आकाश बन गए। रब संसार दा रचेता है, उसने संसार विच दिखण वाली हरेक वस्तु नू बनाया है। उन्हें हरेक वस्तु ओदी है, ताई उन्हें उन्हां नू बनाया है। उन्होंने पहाड़ पेड़ा नू बनाया, जानवरां नू, पंछियां नू, पानी नू, मछली नू बनाया है। सब कुछ ओदे द्वारा ही बनाया गया है। रब जो सृष्टि करता है ओ पूरी तरह चंगा है। उन्हें कदे भी बुराई नहीं कीती है। ओ अंदर तो कोई बुराई नहीं करता है ते बुराई तो नफरत करता है। किसी ने भी रब नू नहीं बनाया और दी शुरुआत किसी ने नहीं कीती। ओ हमेशा इत्थे ही हैगा। ओदे कोई माँ बाप नहीं है। रब दा जन्म नहीं होया है। ओ कभी नहीं मरेगा। रब कदी थकदा नहीं है। ओ कदी सोंदा नहीं है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। रब जो सृष्टि करता है वो कभी भी बदलेगा नहीं। वो हमेशा ही अच्छा रहेगा ते हमेशा ही नियंत्रण च रहेगा। कदे कदे कई बंदे पत्थर या लकड़ियां नु लेके मूर्ति बनाते हैं। जे कोई बंदा या पंछी जानवर का रूप होता है, उन मूर्तियां दा रब दे रूप नु मनन लगते हैं। वो लोग उस मूर्ति के सामने झुकते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। ते पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा कदे सुन सकता है, या कदे बोल सकता है, या कदे चल सकता है, या कदे थोड़े कोले मुसीबत आ जावे तो ये थोड़े कोले आ सकता है? नहीं, ये सारे काम नहीं कर सकता। कई दुष्ट आत्माएं ते बंदे नु इस प्रकार सोचने तो मजबूर कर देंदी है लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा रब है। इस तरह वो बंदे नु धोखा देंदे हैं। सुनो, सृष्टिकर्ता रब जीवित है ते वो देख सकता है, वो सुन सकता है ते बोल सकता है। वो जिथे चाहे जा सकता है। उन्हों किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। सृष्टिकर्ता रब महान है। उनने सब कुछ बनाया है। उन्होंने आख्या है मैं रब हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। रब जो सृष्टि करता है वो महान है। वो हर समय ते हर जगह ते मौजूद रहता है। वो सर्व सामर्थी है, सर्व शक्तिशाली है। ये सारा संसार आकाश उन्हें बनाया है। उन्हें सब कुछ बनाया है। उन्हें सूरज बनाया है जो कि बहुत गर्म है। उन्हें पानी भी बनाया है जो डूंगा ते ठंडा है। अगर वो उन्होंने कुछ करन वास्ते आखे तो उन्होंने करना पैंदा है। उन्होंने आंधी ते तूफान बनाया है। वो उन्होंने रोक सकता है। रब ज्वालामुखी ते भूकंपा तो भी ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उन्होंने उन्हों बनाया है। उन्होंने तारे बनाए हैं। उन्होंने सारे तारों बारे जानता है। रब सारी संसार दी जातियां तो प्रधान है ते महान है। वो कहता है ये बहुत ही छोटे हैं, ये हवा दे धूल दे बराबर हैं। इन्ना वड्डा साडा रब है। वो सारे संसार तो वड्डा है क्योंकि उन्होंने सारे संसार नू बनाया है ते सारा संसार ओदा ही है। रब सब कुछ देख सकता है। वो रात दे अंधेरे विच देख सकता है। वो सारे जानवरां नू उन्हां दी गुफावां विच देख सकता है। चूहियां नू ओदे बिल्लां विच देख सकता है ते मछलियां नू डूंघे पानी विच देख सकता है। वो पहाड़ां दी चोटियां नू देख सकता है। उन्हां दी गुफावां नू देख सकता है। धरती दे थल्ले देख सकता है। रब सब कुछ सुन सकता है। वो सप दी आहट नू सुन सकता है। वो कीड़ियां दे घर बनाउण दी आवाज नू सुन सकता है। वो बंदियां दे मन दी गल नू सुन सकता है। कोई भी रब तो छुप नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि वो कित्थे जा रहे हैं। रब सब कुछ जानता है।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਔਜਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਰੱਬ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਪੇੜ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਖ 2, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਨੇ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਹੋ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੇ ਘਾਹ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਗ ਆਏ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਉੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਸ ਪਸਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਦਮ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਉੱਗਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਊਗੀ ਅਤੇ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਣੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁੜਕਾ ਬਹਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਸਖਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਵੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਤੇ ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਯੋਗ ਐਸੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਲੇਖ 3 ਨਿਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜੀ ਹਨ, ਕਠਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ,
कि मेरा कालजा बहुत ही भारी हो गया है। मेरे दोस्त ने जेड़ा गलत काम किया है, जिदे बारे मैं सुनिया है, वो बहुत ही गलत है, पर जेड़ा फैसला लिता गया है वो सही है। जेड़ी बुराई उन्हें कीती है, ओदा जुर्माना भी भरना जरूरी है, भले ही दोषी अमीर होए गरीब होए। फिर भी इस बंदे ने कहा है, क्योंकि ये दोषी बंदा है, मेरा दोस्त है, मैं इनू प्रेम करता हाँ, मैं इस दे जुर्माने नू भर सकता हाँ। ते न्याय दे अनुसार फैसला लिता गया है, क्योंकि ये बंदा इस जुर्माने नू नहीं भर सकता, पर मैं भर सकता हाँ। कि यह सारी गल्ला सच है? हाँ, ये सारी गल्ला बिल्कुल सच है। और ये गल्ला सुन के वो दोषी बंदा बहुत ही हैरान होया, ते सोचन लग गया कि मेरा दोस्त इन्ना चंगा है। पर बाद वो भी मन गया, ते प्रधान ने भी मुकदमा बंद कर दिता। कि तुसी जानते हो दोस्तों, कि ये जड़ी कहानी है हरेक नाल कट सकती है। रब दा ये बचन सिखाउंदा है कि ऐसी जड़े बंदे हन, साढ़े तो हरेक बंदा एक दिन रब दे सामने खड़ा होना पऊगा, जेड़ा बहुत ही बड़ा न्यायी हन। वो सारे दिलां नू देखदा है, वो सारे पापां नू जानदा है, वो जानदा है कि ऐसी किन्ने पापी ते दोषी हन, ते ओदा जुर्माना किन्ना है, अंत वेले सजा दे रूप विच है। कि तुसी एदे बारे जान सकदे हो, कि ऐसी किवें रब दी सजा तों बच सकदे हन, ते ऐसी कदे भी रब दी सजा दा जुर्माना नहीं भर सकदे। रब ये गल्लां जानदा सीगा, ते इस नाल ही उन्हें अपना इकलौता मुंडा साडे वास्ते भेजिया। वो साडी जगह च साडी सजा नूं अपने कंध्यां ते चुक सके। कि थोनू याद है कि मैं थोनू दस्या सीगा कि साडी जिहड़ी सजा है मौत। साडी सजा नूं अपने उत्ते ले लिता, रब दे पुत्तर नूं सूली ते चढ़ा दिता गया ताकि सानूं माफ़ी मिल सके। ऐसी कई दोषी ते पापी इस सजा नूं ग्रहण करन वास्ते तैयार हो सकीए, अपने पापां नूं अंगीकार करन वास्ते तैयार हो सकीए, अपने न्याय तों बच सकीए, ते उस भयानक सजा तों भी बच सकीए जिहड़े पापां कारण सानूं मिली है। रब दी किताब विच इस प्रकार लिखिया हन कि हरेक बंदा एक ना एक दिन मरूगा, और मौत दे बाद एक दिन न्याय दा आऊगा, ते ओदे बाद दूजी मौत आऊगी, जो बहुत ही भयानक है। परंतु मेरे दोस्तों, रब साडे लई एक राह तैयार कर रख्या है। अगर असी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करांगे, तां ओदे मौत ते असी बच सकदे हां। रब दी किताब कहिंदी है, रब बहुत ही महान उद्धार करता हन, जेड़ा सानू दिता है, उन पान वास्ते सानू कुछ ना कुछ तो करना ही पऊगा, होर कोई बचन दा राह नहीं है। कि तुसी जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हो, ते आप दी रक्षा करन वाले दे रूप च ग्रहण करांगे, ताकि ओ सानू रब दे न्याय तो बचा सके। आओ, मैं थोनू कुछ होर गल्लां दसदा हाँ रब दे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे बारे च। लेख चार, प्रभु यीशु मसीह दा जन्म। रब दी किताब जोड़ी पवित्र बाइबल है, वो सानू इवें दसदी है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार तो आन तो पहले रब दे नाल स्वर्ग सीगा। रब ने जदों इस धरती नू बनाया, उदों प्रभु यीशु मसीह ने ओदी मदद कीती इनू बनाने वास्ते। ओदे काफ़ी समय तो बाद इस संसार विच बंदी दे रूप विच आया। हुण मैं थोनू दसदा हाँ ये किवें होया। मरियम नाम दी एक जवान मुटियार सीगी, ओदा विआह नहीं होया सीगा, ते ओ किसे बंदे नाल कदे सुत्ती नहीं सीगी। ओ विआह दी तैयारियां कर रही सीगी एक बंदे नाल जिहदा नां सी यूसुफ। ओदा विआह होण तों पहले रब ने एक स्वर्गदूत मरियम कोल भेजिया एक खास संदेश नाल। जदों स्वर्गदूत मरियम दे कोल आया, तां मरियम डर गई। स्वर्गदूत ने मरियम नूं आख्या,
डर ना, रब तेरे तों खुश है। रब तेनों एक पुत्र देने वाला है, भले ही तेरा कोई पति नहीं है, पर फिर भी रब अपनी आत्मा दे नाल तेनों एक पुत्र जनूगी। तो ओदा नाम यस्सु रखना, जेड़ा इस संसार दे लोगां नूं बचान वास्ते आया है ते ओदे पापां तों छुटकारा देन वास्ते आएगा। ते यही सरगदूत ने मरियम नूं आख्या। फिर मरियम ने आख्या, ए किवें हो सकदा है, मैं कदे भी किसी बंदे नाल नहीं सुती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिता, ये किसी बंदे दा पुत्र नहीं है, ते इसी कारण ये रब दा पुत्र है। फिर स्वर्गदूत उत्थों चला गया। मरियम ने स्वर्गदूत दी गल्लां ते विश्वास किता, ते ओदे बाद दूजे शहर विच चली गई। उत्थे 3 महीने तक रही एक रिश्तेदार दे कोले। जदों ओ पुट्ठी आई तां यूसुफ ने देखा कि मरियम पेट तो है, तो वह काफ़ी दुविधा विच पड़ गया। ते उस तो बाद उन्हें एक योजना बनाई कि वह मरियम नूं छड़ देगा। फिर वही स्वर्गदूत यूसुफ दे कोले आया, ते स्वर्गदूत ने इंज आख्या, तू मरियम तो विआह करन तो डर मत, वह पवित्र आत्मा दे नाल पेट तो हुई है। जदों वह बच्चे नूं जन्म देगी तां उहदा नां तो यस्सू रखना, जिहड़ा इस संसार दे लोगां नूं पाप तों बचाऊगा। फिर यूसुफ ने मरियम नाल विआह कर लिता। उहदे नाल उदों तक नहीं सोया जदों तक यस्सू दा जन्म नहीं हो गया। यस्सू वड्डा होण लग्या। जदों यस्सू 30 सालां दा हो गया, उहने अपने मां बाप दा घर छड्ड दिता। एक शहर तों दूसरे शहर जा के रब दे उद्धार दा सुसमाचार सुनाण लग गया। उहने कई बीमारां नूं चंगा किता, उहने लंगड़ियां नूं चलाया, अंधियां नूं दिखाया, गूंगियां नूं बोलण दी शक्ति दित्ती, उहने लोगां 'च दुष्ट आत्मा नूं कढ़िया। ये सब ताइयों कर सकदा सी, ओह रब दा पुत्तर सी। जदों ओह लोगां दी मदद करदा सी तां लोग उस टाइम रब दी समर्थ नूं देख सकदे सी। ते उन्हां 'च कुछ लोगां ने उहदे 'च विश्वास किता कि प्रभु यीशु मसीह ही रब दा पुत्तर है। यीशु ने उन लोगां दे पाप नूं देखिया, फिर उहदे नाल प्रेम किता, क्योंकि ओह अपने इस प्रेम करन दे कारण इस संसार दे लोगां लई अपनी जान भी देण वास्ते तैयार हो गया, ते मरन दे नाल उहने साडे पापां दा जुर्माना भरिया। ओह लोगां तों इही चाहुंदा सी कि ओह इह जाण कि यीशु मसीह उहनूं बचा सकदा है। यीशु ते विश्वास करन, उहदे कोल समर्थ है कि ओह तुहानूं शैतान तों, दुष्ट आत्मा ते चंगुल तों बचा सकदा है। ओह तुहाडे लई इह सब कुछ कर सकदा है यदि तुसीं उस तों मंगोगे। तुसीं हुणी उहदे नाल गल्लां करो, ओह तुहाडी गल्लां सुनूगा। लेख 5। यीशु थोड़े प्राणा नूं चंगा कर सकता है। बाइबल सानू दसदी है कि यीशु रब दा पुत्र है। वह इस दुनिया ते आया ताकि पाप ते भरे हुए लोगों नूं पाप तो बचा पाए। वह इस कारण इनू मसीह दा रूप जाने जाता है। एक शब्द का मतलब है जिन्हों रब ने सानू बचाने वास्ते भेजा है इस धरती ते। उन्हें कई अद्भुत ते चमत्कार वाले काम किए हैं। जो लोग बीमार सीगे तो उन्होंने उन्हें चंगाई दी, उन्होंने लोगों नूं स्वर्ग बारे दसिया, रब दे राज्य बारे दसिया। एक दिन एक अंधा बंदा सड़क के किनारे बह के भिख मंग रहा सी। वह जानता सी कि वह कदे भी देख नहीं सकता, तो इहदा इलाज नहीं हो सकता, तो केवल रब ही उन्हें चंगाई दे सकता है। और जदों भीड़ उहदे कोले आण लगी तो उन्हों आवाज़ आ रही सी, जोर जोर दी आवाज़ां आण लगियां। ये आवाज़ आ रही सी, यस्सू आ रहा है, यस्सू आ रहा है। इस अंधे बंदे ने प्रभु यस्सु मसीह दे बारे कई अद्भुत ते चमत्कार वाली गल्लां सुनिया सी। वह सचमुच विश्वास करदा सी कि यस्सु मसीह रब दा पुत्र है।
क्योंकि रब ही इस प्रकार दे अद्भुत कम कर सकता है। ये भीड़ जदों उहदे कोले आ गई तां अंधे बंदे ने जोर जोर नाल चिल्लाना शुरू किया, यस्सू यस्सू मेरे ते रहम कर। यस्सू ने अपना हथ अगे वधाया ते इस अंधे बंदे नूं चंगाई दित्ती। इस अंधे बंदे नूं जदों सारा कुछ दिखण लग्या तां प्रभु यस्सू मसीह नाल उह ज़्यादा प्रेम करन लग्या, उहदा पिछा करन लग्या। कुछ समय बाद कोढ़ तों लगे हुए लोग इस तरह कहन लगे, अशुद्ध अशुद्ध दूर रहो। कोढ़ की बीमारी एक चमड़ी की बीमारी हुंदी है, ते जिन लोगों को यह बीमारी हुंदी है उन्हें कदे भी चंगाई नहीं मिलती, उन्हों का शरीर पूरे जख्मां नाल भर जाता है। जदों प्रभु यीशु मसीह ने इन कोढ़ां नाल लगे हुए लोगों को देखा तो उन्हें उहदे ते दया आ गई। कोढ़ लगे हुए लोगों को चंगाई दित्ती, वो लोग उन्ने खुश होए चंगाई नूं प्राप्त करके कि भजे भजे घर चले गए। पर वो यीशु दा धन्नवाद देना भुल गए, उन्हां नूं एक छड के एक नूं याद रहा यीशु दा धन्नवाद देना। इस कारण वो पुट्ठा आया ते यीशु दा धन्नवाद दित्ता। जदों वो यीशु दी आराधना ते धन्नवाद दे रहा सी तां यीशु ने उहदे हरदे दी बीमारी नूं भी चंगाई दित्ती। यीशु इस धरती ते 33 सालां तक रहा, पर वह प्रधान लोग उन्हां तों नफरत करते सी क्योंकि वह रब नूं उन्हां तों ज़्यादा प्रेम करता सी। उन्हां लोगों ने इनू गिरफ्तार किया ते सूली ते चढ़ा के जान तों मार दिता गया। वह उधर लहू उगा के मारा गया। वह रब दा पुत्र सी, पर उहदी ये इच्छा रखता सी कि वह साडे लई पीड़ा ते मौत नूं सहे ताकि ऐसी लोग बचाए जान ते स्वर्ग च प्रवेश करन। 3 दिनां मगरों वो फिर जिंदा हो गया। 40 दिनां बाद वो अपने पिता रब दे कोले स्वर्ग चला गया। हुण वो इत्थे है, सानू देख रहा है और ये चाहुंदा है कि ऐसी पाप दे कारण मर ना जाइए, सजा दी जगह ना जाइए। वो कहिंदा है कि मैनू बुलाओ, मैं थोड़े पापा नूं माफ करूँगा, थोड़ू एक नवा बंदा बनाऊंगा। ऐसी यीशु नू किवें बुला सकते हैं? इन शब्दों का इस्तेमाल करके उहदे नाल गल्लां कर सकते हैं। प्रेमी रब, मैं एक पापी हाँ, मैं अपने पापा दी गुनाहां लिए माफ़ी मंगदा हाँ, हुण मैं कदी भी बुराई नहीं करना चाहुंदा। यीशु मसीह नू धन्नवाद देना है ताकि वह मेरे लिए क्रूस ते चढ़ाया गया ते मारा गया। कृपया करके मेरे पापा नूं मेरे तो कढ़ो ते मैनू एक चंगा हृदय दो, मेरी मदद करो, मैं थोड़े राह ते चलांगा ते जी पावां। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा हाँ, आमीन। की तुसी ये प्रार्थना थोड़े सच्चे दिल नाल कीती है? अगर हाँ तो रब ने थोड़ी प्रार्थना नूं सुनिया है। पाप एक बीमारी तरह होंदी है जो अंदर ही अंदर खांदी रहिंदी है। अगर ऐसी प्रभु यीशु मसीह नूं अपने हृदय च आण दी अनुमति देंदे हैं तां ओ साडे हृदय च आके साडी बीमारी नूं साडे पापा नूं साफ करदा है ते एक चंगा हृदय देंदा है ते सानूं ताकतवर बनांदा है ते चंगे काम नूं कर सकीए। यीशु तों आखो, धन्नवाद प्रभु सानू बचाण वास्ते ते धन्नवाद मेरे हरदे नूं चंगाई देण वास्ते ते उहदे बाद प्रभु यीशु मसीह दे चंगे कम्मां नूं दूजे अगे दसना ना भुल्लो। लेख 6 ग्रासीन। असीं हुण प्रभु यीशु मसीह दे जीवन दी एक कहानी होर सुनांगे। एक वारी यीशु मसीह ते उहदे चेले एक छोटी जी नां ते चढ़ गए ते जिहड़ी नां सी ओ ग्रासी नाम दे देश वल चल पई। जिवें ही प्रभु यीशु नां तों उतरे एक भेड़ी आत्मा दे नाल लगे हुए बंदे ने यीशु नूं देखिया। यह बंदा कोई घर नहीं रहिंदा सी पर उस जगह ते रहिंदा सी जिथे मरे हुए लोगों नूं दफनाया जाता है, मतलब कि कब्रिस्तान।
ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਫਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਯਸੂ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝੀਲ 'ਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਪੁੱਠਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਪਾਵੇ। ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭੇੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
कदे भी नहीं छड़ेगा। लेख सत्त, प्रभु यीशु मसीह की मौत, कि ये सच है? यीशु मसीह की मौत हुई है, कि ओदी मौत की कहानी सच है? इहदे च कोई शक नहीं। कई साल पहले यशायाह नबी ने यीशु मसीह दे बारे इस तरह आख्या है, वो अपनी कबर पापियां दे नाल बनाऊगा। हाँ सच है, प्रभु यीशु मसीह दी मौत बंदियां दे हत्थां हुई है, पर रब ने भी इसी वजह नाल इनू इत्थे भेजा सी। वो इस धरती ते आया ताकि लोकां नू पाप दा दाम चुका पावे। जिहड़े लोग उत्ते विश्वास करदे हन, उहदे वल मुड़दे हन, ते ओ उहने पाप नू चुकावण दी आवश्यकता नहीं हुंदी। रब ने आख्या, जद तक कोई पाप रहित मेरे लिए अपने आप नू बलिदान ना करे, ते संसार से कोई भी उधार नहीं प्राप्त कर सकता। यही एक राह है जो साढ़े पापा दा दाम चुकाण दा। ऐसी लोग अपने पापा दे दाम नहीं चुका सकते, क्योंकि ऐसी पापी हन। केवल यीशु मसीह ही जिहड़ा पाप रहित है, केवल ओ ही साढ़े पापा दा दाम चुका सकता है। उन्हें साढ़े पापा दे कर्ज नू अपने उत्ते ले लिया, ते अपनी मौत दे द्वारा साढ़ा पापा दा दाम चुकाया। उन्हें अपने जीवन नू बलिदान कर दिता साढ़े पापा वास्ते। ओदी मौत किस तरह हुई? उस टाइम दे प्रधान बंदे सी पिलातुस। दूजे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नू फड़ के पिलातुस कोले ले गई। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह तो कई प्रश्न पूछे। इस प्रकार फैसला किया कि मैनू इस बंदे च किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया, मैं इस नू सज़ा नहीं दूंगा, ते इनू मैं आज़ाद कर दूंगा। पर उधर दे अगुआ ने इस तरह आख्या कि कई सारे लोग इस बंदे का अनुसरण करते हैं, अगर तू इस बंदे नू आज़ाद कर दिता तां तू राजा का दोष नहीं ठहरेगा। जदों पिलातुस ने इस गल्लां नू सुनिया तां वह डर गया। वह राजा नू नाराज नहीं करना चाहुंदा सी, इस कारण उसने इस तरह आख्या, तुसी खुद ही इहदा न्याय क्यों नहीं करदे? क्योंकि मैं इहदे च कोई दोष नहीं पाया। फिर उन्हें अपने हथ धो दिते, आख्या, मैं इस बंदे की मौत का दोषी नहीं हूँ। फिर उन लोगों ने यीशु नू न्यायालय तो बाहर कढ़ लिया ते मारन लगे, पर उन्हें एक भी शब्द उन्हां दे विरुद्ध नहीं आख्या। ते लोगों ने यीशु नू मजबूर किया कि वो लकड़ी का सलीप लेके उस स्थान पर जावे जिथे ओदी मौत दे घाट उतारन वाले सी। सारे लोग उहदे पिछे चल पे। कि यीशु अपने आप नू अपने दुश्मनां तों बचा नहीं सकदा सी? वह अपने आप नू बचा सकदा सी, परंतु वह जानदा सी कि नबी ने उहदे बारे की लिखिया है, कि वह मेरे लोकां लई पाप लई मारिया जाऊगा। उन लोगों ने उहदे हथ पैर खिच के ते हत्थां च किल ठुके, उन लोगों ने सलीप नू सीधा खड़ा कर दिता। यीशु उस सलीप ते किल्लां दे नाल लटकया होया सी, ते उहदे हथ पैर किल लगे हुए सी। उहदे कुट्टे जाण दे कारण उहदी पीठ ते लहू बह रहा सी। सुनो, उहने की आख्या, हे मेरे पिता, इन्हां नू माफ कर, ये नहीं जाणदे कि ये की कर रहे हन। उहने पिता रब तों अपने दुश्मनां नू माफ करन दी प्रार्थना की। जदों प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई तो सारा देश अंधेरे च भर गया। एक भूकंप उत्थे आया ते कई सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए, ते उस शहर च घूमन लगे। कई लोगों ने उन्हें देखा। यीशु दे दुश्मनों ने सोचा कि यीशु नू जान तो मारन दे द्वारा ऐसी उसकी विजय प्राप्त कर लेती है।
यीशु दे दोस्तां ने उस गुफा का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह दे शरीर नूं दफनाण लई उहदा दरवाजा एक वड्डे पत्थर नाल बनिया होया सी। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नूं क्रूस ते चढ़ाया सी, उन लोगों के सैनिकां नूं कबर दे बाहर रखवाली वास्ते रख लिता सी। वह कबर की रखवाली करते सी। यीशु जानता सी कि रब उसकी मौत की मंग कर रहा है ताकि वो साड़ी सजा अपने उत्ते ले लवे। मेरे कोले सामर्थ है कि मैं अपने जीवन नूं दे भी सकता हाँ ते उन्हों पुट्ठा ले भी सकता हाँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा लई नहीं मरिया। मैं थोनू दस्या है प्रभु यीशु मसीह की मौत दी सजा दे योग नहीं सी क्योंकि उन्हें कोई पाप नहीं किया सी। इस कारण मौत उन्हों ज़्यादा समय तक नहीं फड़ सकी। उसकी मौत दे 3 दिन मगरों रब ने उन्हों मरिया हुआ तो फिर जिंदा करता। कई सारे लोग उन्हों फिर तो जिंदा देख सकते सी। इत्थे लगभग 500 बंदे उन्हों देख सकते सी। वो कोई आत्मा नहीं सी। उहदा एक दोस्त जिहदा नाम तोमा सी उहदे जिंदा होण दी खबर ते विश्वास नहीं करदा सी। इस कारण रात दे टाइम प्रभु यीशु मसीह तोमा दे कोले आया ते उहने आख्या, हे तोमा, तू अपनी उंगली उस सेध च पा दे जिहड़े किल ठोकण दे नाल मेरे हत्थां च बने हन ते मेरे ते विश्वास कर, शक ना कर। यीशु मसीह दे जिंदा होण दे बाद यीशु इस संसार च लगभग 40 दिनां तक रहा। वो अपने दोस्तां दे नाल गल्लां करदा सी ते खाणा खांदा सी। उहने अपने दोस्तां नूं खास संदेशा दित्ता कि वो इस संसार दे सारे लोकां दे कोले जाण ते उन लोकां नूं दसन कि वो अपने पाप तों मुड़ना जरूरी हन ते उन्हों ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह साडे लई मारा गया। फिर उन्होंने उन्हों धरती तों आकाश दे वल रब दे वल जांदा होए देखा। पुराने समय तों रब ने संसार नाल इवें वादा किया सी कि एक मसीहा आऊगा जिहड़ा लोकां नूं उन्हां दे पाप तों बचाऊगा। वो आ चुक्या है पर कई लोग ये नहीं जानते सी कि वो एक वड्डा राजा दी तरह इस धरती ते आऊगा। जिहड़े लोग प्रभु यीशु मसीह दा पिछा करदे सी उहदी गल मनदे सी वो सचमुच बहुत ही अनिंदित होए। प्रभु यीशु मसीह कदे भी किसी बंदे दा तिरस्कार नहीं करता। जिहड़े लोग उहदे कोले आउंदे हन, प्रार्थना करदे हन ते उहनूं ग्रहण करदे हन ते वो उहनां दी प्रार्थना नूं सुनूगा ते उहदे नाल गल्लां करूगा। यीशु हमेशा वास्ते जिंदा है। रब दी किताब जिहड़ी बाइबल है इस तरह कहिंदी है कि वो कब्र च नहीं छड़ेगा। यीशु मसीह ने अपनी मौत दी थां तों फिर से जिंदा हो गया। बाद च स्वर्ग च उठा लिता गया। एक दिन वो स्वर्ग चों पुट्ठा आऊगा ताकि वो इस संसार दे सारे लोकां दा न्याय कर सके। रब दी किताब इस तरह कहिंदी है कि रब ने यीशु नूं चुन रख्या है कि वो आखरी दे दिनां विच इस संसार दा न्याय करूगा। अगर असीं अज उहदा तिरस्कार करदे हाँ तां कल वो साडा तिरस्कार करूगा। अगर अज असीं अपने पापां तों मूंह फेर लैंदे हाँ ते रब दे कोले जांदे हाँ तां वो सानूं ग्रहण करूगा ते साडे पापां तों मुक्त करूगा। जदों असीं मरांगे तां वो सानूं हमेशा वास्ते अनंत जीवन वल ले जाऊगा। अज असीं उन्हां ते विश्वास करिए। लेख 8 मसीही जीवन चौड़े रास्ते दी विभिन्नता। की तुसी जानदे हो कि एक मसीह होने दा मतलब की हुंदा है? जीवन एक चौड़े राह दे समान है।
जेड़े लोग भीड़ ते भरी हुई हुंदी है। हरेक बंदा अपनी पिठ ते भारी बोझ लेके घूमदा है। रब दा पवित्र शास्त्र इंज कहंदा है, सब ने पाप कीता है, संसार दे शोर शराबे तों दूर हट के एक आवाज आंदी है, इंज कहंदी है, मेरे कोले आओ। ए सारे बोझ ते लदे हुए लोको, मैं थोनू आराम दूंगा, मेरे कोले आओ। कुछ लोग तां इन गल्लां दा ध्यान नहीं देंदे ते उस चौड़े राह ते चलते ही रहिंदे है। कि तुसी सुनिया है जिहड़ी आवाज आई वो फिर तो दुबारे आई। उन लोगों तो कोई बाहर आया ते अड हो गया ते उन्हें कोई चीज़ नू ना सोया। फिर उन्हें ग्रहण किया, मैं थोड़े पिता दे समान बनूंगा, तुसी मेरे पुत्र ते पुत्रियां बनोगे। कुछ लोग रुकते हैं थोड़ी देर वास्ते, सुनते हैं पर मगरों अगे वध जाते हैं। आखिर उस भीड़ तो कोई बंदा मुड़दा है सुनन वास्ते, एक पल वास्ते। वो बंदा दुविधा विच पड़ जाता है। फिर बाद च उस भीड़ नू छड़ के एक नवा राह ते कदम रखता है, जेड़ा कि एक भीड़ा मार्ग है। वो भीड़ा मार्ग उस चौड़े राह तो बिल्कुल अड है ते उल्टा है। जेड़े लोग चौड़े राह ते चलते हैं वो लोग उस भीड़े मार्ग ते चलने वाले बंदे दा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तू कदी भी इस राह ते नहीं चल सकता ते तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु वो बंदा इन गल्लां दी परवाह नहीं करता ते हसदा है इन गल्लां नू सोच के कि ओदी पिठ ते लद्दे हुआ भारी बोझ हट गया है। पुरानी आदतां ते पाप दी खुशी पीछे हट जाती है। पहले पहले उस भीड़े मार्ग ते इवें लगता है कि वो बंदा कल्ला ही चल रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ओदे नाल आंदा है, ओदे नाल चलता है। वो उस बंदे दे हृदय नू इन्नी खुशी ते शांति नाल भर देंदा है कि वो फिर कदे भी मुड़ के चौड़े राह कानी नहीं देखता। रब अपनी पवित्र आत्मा नू उस बंदे दे हृदय च पाउंदा है, जिदे द्वारा वो बंदा ये जान पावे कि प्रभु यीशु मसीह रब दा पुत्र है ते उस ते विश्वास करे ते रब दे बच्चे बन सकदे हैं। प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करन ते द्वारा ही ते उन्हों अपने रखवाली करन वाले दे रूप ते स्वीकार करके ही, जदों तुसी इन गल्लां नू करोगे उदों थोड़े जीवन विच नवे नवे कम होणगे, ताकि जिहड़ा बंदा मसीह च आउंदा है वो नवी सृष्टि है। पुरानी गल्लां बीत चुकियां हैं ते देखो सब कुछ नया है। ओदी आवाज़ नू सुनो, मैं जीवन दी रोटी हाँ, जो कोई मेरे कोले आऊगा वो भुखा नहीं रहूगा, पर जेड़ा बंदा मेरे ते विश्वास करूगा वो कदे भी प्यासा नहीं रहूगा। अगर अज तुसी ओदी आवाज़ नू सुनोगे ते आप दे हृदय नू पत्थर ना बनाओगे। लेख 9, यसु जी वास्ते जीना। यसु जी वास्ते जीन का मतलब की है? मेरे दोस्तों, मैं थोनों एक प्रश्न पूछना चाहता हाँ, कि तुसी मसीह हो? शायद तुसी लोग यही आखोगे हाँ, क्योंकि सानू यही सिखाया गया है एक मसीह होने के बारे। पर तुसी इत्थे आओ, ऐसी लोग अपने हृदय के अंदर देखो कि सच्ची साडा हृदय साफ है, प्रभु यीशु मसीह दे विश्वास छड कीता है केवल। हाँ, असी अपने दिमाग दे अनुसार प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास कीता है, या ऐसी लोग उन गल्लां ते विश्वास करदे हाँ साडी माता ने साडे लई की कीता है, अच्छे कम्मां वास्ते असी की कीता है, कि असी रब तों की मंग कीती है ओ साडे हरदिया नू साफ करे ते सानू आपदे बच्चां दे समान बनावे। अज असी लोग इस गल दा निश्चय कर लिए कि असी उस राह ते चलांगे जेड़ा सानू रब दे घर ले जांदा है। जदों एक बंदा अपने हरदे तों प्रभु यीशु मसीह नू अपने
रक्षक ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਐਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ऐसी उसी कड़ी अपने पाप दी माफ करने दी प्रार्थना कर सकते हाँ, ते विश्वास कर सकते हैं कि ओ साडे हृदय नु साफ करूगा। तुसी उन्हां तो प्रार्थना करो कि ताकि ओ थोड़ी मदद करूगा, जिते शैतान थोड़ी परीक्षा ना ले सके। ऐसी रब नु धन्यवाद देना चाहते हैं ओदे सारे चंगे ते औखे कम्मां वास्ते जेड़ा साडे लई कीता है। वो कहिंदा है जो कोई उन्हां तों प्रेम करता है, जो उन सब गल्लां नूं मिला के भलाई दी उत्पन्न करता है, ऐसी उन लोगों लई प्रार्थना करना जरूरी है जेड़े प्रभु यीशु मसीह नूं जानते हैं। तो ऐसी अपनी परेशानी ते मुसीबतों वास्ते भी प्रार्थना कर सकते हैं। रब हमेशा साडे जीवन की हर मुसीबत दे बारे साडी मदद करना चाहुंदा है। ओ साडी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, पर अपनी इच्छा के अनुसार। ओ ये जानता है कि साडे लिए की चंगा है। अगर ओ साडी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंदा तो ये दिखाता है कि उन्होंने कोले साडे लिए कोई चंगी योजना है। कि तुसी ओदे ते विश्वास करोगे? ओ साडे हरदियां च ते होर खुशियां लेकर आऊगा, ते ऐसी उन्हां ते विश्वास करना सीखांगे। ते होर भी जरूरी चीज़ां वास्ते मसीह जीवन दा मतलब है रब दे नाल सही बन के रहना, ते हर दिन साडे हरदियां च शांति ते खुशी नाल रहना। रब सानू आशीष देगा जिस तरह तुसी प्रभु यीशु मसीह दा अनुसरण करते हो।